नमस्कार, आप सभी का वीडियो टीवी भारत के खास प्रोग्राम तबियत पानी में स्वागत है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में कई बीमारियों का संकट भी बढ़ जाता है। अगर आपको इस सर्दी के मौसम में बीमारियों से बचना है तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। तो ऐसे कई फूड्स होते हैं जो ठंड में आपकी सेहत का खास ख्याल रख सकते हैं। एक सब्जी का नाम जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, दरअसल हम बात कर रहे हैं मूली के बारे में। बढ़ती सर्दी, ब्लड प्रेशर, त्वचा और डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर इम्यून सिस्टम तक ये मूली बेहद जरूरी होती है। लोग मूली को बहुत पसंद भी करते हैं। इसका सेवन कई तरह से किया जाता है। मूली के पराठे हो और सलाद के रूप में इसको खा सकते हैं। कई लोग अचार भी डालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूली आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। मूली एक आम सब्जी है जिसका उपयोग भारतीय रसोई में किया जाता है। हालांकि मूली को केवल सलाद की संगत माना जाता है, लेकिन मूली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य लाभ होते हैं। आइए तबियत पानी में जानते हैं मूली के स्वास्थ्य लाभों के बारे में। मूली जैसी क्रूस वाली सब्जियां खाने से कैंसर को रोकने में मदद मिल सकती है। एक अध्ययन के अनुसार क्रूसीफेरस सब्जियों जैसे ऐसे यौगिक में होती है जो पानी के साथ मिलाने पर आइसोथियोसाइनेट्स में टूट जाते हैं। आइसोथियोसाइनेट्स कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों से शरीर को शुद्ध करने और ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद करते हैं। मूली के शक्तिशाली एंटी डायबिटिक गुण इम्यून प्रक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं, ग्लूकोज को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं। एडिपोनेक्टिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इस हार्मोन का हाई लेवल इंसुलिन प्रतिरोध से बचाने में मदद कर सकता है। मूली में कोएंजाइम Q10 भी होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो डायबिटीज के गठन को रोकने में मदद करता है। मूली में बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जो एडिपोनेक्टिन को नियंत्रित करते हैं और ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूली घुलनशील और अघुलनशील फाइबर का एक कॉम्बो प्रदान करता है जो आपके GI ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर आपकी आंतों के माध्यम से अपशिष्ट को स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए आपके मल को ऊपर उठाकर कब्ज को रोकने में मदद करता है। मूली डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है जो पाचन संबंधित समस्याओं में मदद करती है। यदि आपके पास प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में मूली का सलाद है तो आपका मल त्याग सुचारू होगा। इतना ही नहीं, मूली के पर्याप्त सेवन से आपको कब्ज भी नहीं होगा। मूली पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है जो ब्लड प्रेशर लेवल को नियंत्रित करने और हार्ट को ठीक से काम करने में मदद करता है। इसमें एंथोसाइनिन नामक यौगिक होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन और लो ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मूली एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम पोटेशियम जैसे मिनरल से भरपूर होती है। साथ में ये पोषक तत्व हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और हार्ट रोग के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। मूली भी प्राकृतिक नाइट्रेट का एक अच्छा स्रोत है जो ब्लड फ्लो में सुधार करती है। मूली शरीर में सोडियम पोटेशियम बैलेंस बनाए रखकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकती है। ये एंटी हाइपरटेंसिव गुण से भरपूर है। यही कारण है कि हर किसी को सर्दियों में पर्याप्त मूली लेनी चाहिए। इस तरह से आप भी मूली खाकर ये सारे फायदे पा सकते हैं। इस स्टोरी को शेयर और लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं। डाइट से जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वीडियो टीवी भारत के साथ। नमस्कार।